नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बहुत सारे सवाल मुझे मिल रहे हैं। टी शर्ट प्रिंटिंग के बारे में सवाल मिल रहे हैं, जो लोग अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं उस बारे में सवाल मिल रहे हैं। तो टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस है ये, कैसे आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही थी, बड़े बड़े कंपनीज बना रही हैं, सक्सेसफुल हुई हैं, बट अभी ये जो ट्रेंड चला है कि जो हमारे कॉलेज के बंदे हैं, जो कॉलेज पास आउट होते हैं, उसके बाद कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अपना डिज़ाइंस करना चाहते हैं, तो कैसे वो आज इस मार्केट में आके अपना नाम कमा रहे हैं। एक चीज़ मैंने और बहुत नोटिस की दोस्तों, ये फील्ड में है जो डिज़ाइनर, जो आईटी फील्ड के बंदे हैं, वो भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो टी शर्ट है उसमें कस्टम डिज़ाइंस होती हैं, अपने अपने डिज़ाइंस लोग बना के मार्केट में शेयर करते हैं और वहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम टी शर्ट प्रिंटिंग की बात करेंगे। टी शर्ट प्रिंटिंग का जो बिज़नेस है, बेसिकली अगर थोड़ा हिस्ट्री में अगर जाना चाहें तो एक 10 साल पहले आप देखेंगे थोड़ा सा ये मार्केट वाइड हुआ और ये लोकल बिजनेस में ये आने लगा। नहीं तो पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी कंपनीज ये टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस करती थी, मार्केट में लाती थी और प्रॉफिट कमाती थी। बट पिछले 8 से 10 साल से जब ये हीट प्रेस और सब्लिमेशन का जो ज़माना आया 8 से 10 साल पहले, तो बहुत ज़्यादा ही इसमें लोग आने लगे धीरे धीरे। और अब ये जो है 2017-2018 जो ये साल चल रहा है, इस टाइम पे जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ही जो हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो टी शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस में जा रही है और जाना भी चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में दोस्तों आप देखो ना, लोगों को कस्टम डिज़ाइन चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं, एक एक डिज़ाइन लेके आते हैं, बोलते हैं सर आप ये प्रिंट करके देंगे क्या? तो यानी सबके पास अलग अलग डिज़ाइंस हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, वो चाहते हैं मार्केट में वो लेके आए, पहने और सेल करें। तो ये जो बिज़नेस है, मैं तो जहाँ तक मेरा जो नॉलेज है और जो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो पिछले 8-10 साल से जो ट्रेंड चला है, अभी ये बहुत ये रफ्तार अभी पकड़ेगा और अगले 5 से 10 साल ये बिज़नेस बहुत फलेगा फूलेगा। तो आप लोगों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा एक्सपर्ट की ज़रूरत होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सा टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस आप करना चाहते हैं। जैसे मार्केट में सब्लिमेशन अगर आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अगर आप स्क्रीन प्रिंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और भी एक सब्ली जेल करके एक मार्केट में आया है वो कर सकते हैं, विनाइल ट्रांसफ़र हीट प्रेस, तो ये बेसिकली 4 तरीके की जो प्रिंटिंग है ये मार्केट में है, तो जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा, मैंने आपको 3 से 4 ट्यूटोरियल मैंने बताया है स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो स्क्रीन प्रिंटिंग का बिज़नेस है, स्क्रीन प्रिंटिंग प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी है। आप समझ लीजिए कि इसका जो जो ये बना, स्क्रीन प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी बनी, वो आज से करीब 200-300 साल पहले जो हमारे पास जो विकिपीडिया में है बताते हैं जैसा, वो मिस्र में वहाँ से चालू हुआ। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आपको अच्छा क्वालिफिकेशन या चाहिए या ऐसा कुछ नहीं, इसमें टेक्निक की बात होती है और टेक्निक कोई भी सीख सकता है। आपकी अपनी खुद की टेक्निक इसमें बनानी पड़ती है, स्क्रीन प्रिंटिंग की जो प्रिंटिंग का जो बिज़नेस है टी शर्ट के ऊपर, उसमें आपकी खुद की टेक्निक काम करती है। जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी टेक्निक बहुत अच्छी होती जाती है। दोस्तों, जैसे मैंने ब्रांड की बात की कि बहुत सारे जो हमारे यंग जनरेशन है जो मार्केट में उतर रहे हैं, अपना जो डिज़ाइंस हैं वो बना रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं, वैसा ही कुछ मैं नाम बताना चाहूँगा आपको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डिज़ाइन मैंने खासकर वो बताने के लिए रखा हुआ है, जैसे ये हैं मिस्टर दिनकर मेहरा हैं, मिस्टर राजस्थान से हैं ये, तो उनकी जस्ट कुछ डिज़ाइंस मेरे पास आई थी तो वो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी ये डिज़ाइन देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये मुंबई से हैं, ये मुंबई गोरेगांव से हैं, इनके ये डिज़ाइंस हैं। तो ये ऐसे ज़्यादा नहीं है, लोकल कॉलेज पास आउट बंदे हैं और हमारे कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कर ली है, तो प्रिंटिंग का बिज़नेस इतना फलफूल रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप भी इसमें आ सकते हैं, बशर्ते ये होना चाहिए कि आप में काम करने की इच्छा होनी चाहिए। मैंने बहुत लोग को देखा है कि
बहुत ऐसे बंदे रहते हैं कि जो बोलते हैं कि थोड़ा हमें इजी वर्क चाहिए या जो भी है, बट ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं उसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तभी आपको जाके एक समय के बाद आपको वहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मिलना है या जो सक्सेस मिलना है वो आपको मिलता है। तो जो ट्यूटोरियल है दोस्तों, मैं अभी कोशिश करूंगा कि हर एक दिन में या दो दिन में आपको एक वीडियो बना के दूं। जो हमारा ट्यूटोरियल अभी पेंडिंग रह चुका था उसे हम अभी कंटिन्यू करेंगे, तो ये वीडियो के बाद आपको वो ट्यूटोरियल कंटिन्यू मिल जाएगा दोस्तों। जो भी हम स्क्रीन प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी हम जो कैसे हम किया जाता है, कैसे जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं उसमें इस्तेमाल करनी रहती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो मिलते हैं फिर दोस्तों एक नए वीडियो में। जय हिंद।